हेलो फ्रेंड्स, ई हिंदी उर्दू चैनल में आप सभी का वेलकम है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ विंडोज़ 10 पीसी में विदाउट प्रिंट स्क्रीन बटन यूज़ करते हुए स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं, वो भी सिलेक्टेड चीज़ का। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा एप्लीकेशन डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, विंडोज़ 10 का इनबिल्ट फीचर है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप स्टार्ट में जाइए। स्टार्ट में जाने के बाद स्निपिंग टू टाइप कीजिए। टाइप करने के बाद जस्ट इंटर हिट कीजिए। इंटर हिट करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा और जस्ट न्यू पे क्लिक कीजिए। न्यू पे क्लिक करने के बाद रेक्टेंगुलर स्निप जस्ट उसके ऊपर क्लिक कीजिए। जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको अपना जहाँ से आपको स्क्रीनशॉट लेना है वहाँ से आपको सेलेक्ट करना होगा, ये देखिए। और जस्ट जैसे आप उसके ऊपर लेंगे, और अगर आपको सेव करना है तो जस्ट कंट्रोल एस प्रेस कीजिए। कंट्रोल एस प्रेस करने के बाद आपका सिलेक्टेड फाइल फोल्डर ड्राइव सेलेक्ट कीजिए और जस्ट सेव पे क्लिक कीजिए। आपका जो स्क्रीनशॉट है विदाउट प्रिंट स्क्रीन बटन यूज़ किए हुए, आप इस तरीके से अपना स्क्रीनशॉट वो भी सिलेक्टेड जगह का आप इस तरीके से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ गया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और वीडियो के नीचे रेड बॉक्स में सब्सक्राइब का बटन है। अगर आप ई हिंदी उर्दू चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करें तो प्लीज़ ई हिंदी उर्दू चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए थैंक यू वेरी मच। बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।